उत्तर प्रदेश देवरिया कोतवाली थाना क्षेत्र के घटैला गाजी में जमीनी विवाद व पैसे के लेनदेन को लेकर दलित महिला की दबंगों ने मारपीट कर बुरी तरह से किया घायल। जिला अस्पताल में महिला की हुई मौत। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंच घटना स्थल का लिया जायजा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण हेतु भेजा। क्षेत्र में मचा हड़कंप। ये लोग थे बस अरविंद सिंह छोड़ के सभी लोग थे। आज किस बात को लेके हुआ था? ये बात हुआ था कि जैसे ये लोग पहले तैयार हुआ था, मारपीट हुआ था तो पहले अच्छा उससे पहले भी कुछ था विवाद था? उससे पहले कुछ विवाद नहीं था, वैसे ये लोग खेत को लेकर के अटैक करती है। जैसे हम लोग मढ़ाई लिए थे खेत। एक मिनट में बात करते क्या हुआ था बेटा जी? मेरी दादी को बुखार हुआ था तो हम लोग को तो पहचानते ही हैं लोग, एक हमको नहीं पहचानते थे। और मेरे मतलब मेरे एक रिश्तेदार आए तो हम लोग यहाँ पे लेके चले गए तो उनको पकड़ने मेरी दादी बैठने पड़ी थी तो हम उनके साथ थे। उनके साथ जाने के बाद से कुछ लोग हम लोग के गाँव के आए और कहे कि तुम कौन होते हो? पहले तुम अपना चेहरा दिखाओ, कह तुम किस गांव के हो? कह रहे हैं हम रिश्तेदार हैं। कहें ये कौन है? कह रहे हैं ये श्याम सुंदर। किसने मारा? मेरी दादी को थे वो भानु सिंह थे, उनके एक ड्राइवर लखनऊ से रहे और वो थे उसके बाद उनके सुनील उनके भाई संग्राम सिंह थे और जिला अध्यक्ष हो गए अरविंद सिंह। क्या नाम था? किस गांव? घटना कारण है बाबू साहब लोग जैसे जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते हैं उनको हमेशा दबाना चाहते हैं। हम लोग इस मोहल्ले में पढ़े लिखे हैं, नियम कानून जानते हैं, कोई भी बात उन लोगों से कहते हैं तो लोग हम लोग को दबाना चाहते हैं। तो बात ये हुई थी कि हम लोग एक बाबू साहब हैं उनके रेहान, उनको उनका खेत लिए थे रेहान पे, तो इसी का टीच लेकर कि ये कैसे आगे जा रहा है। दूसरे लोग आकर उनके पटीदार लोग आकर के कहे कि ऐसा है कि तुम खेत छोड़ दो, पैसा तुरंत लो। पिताजी बोले कि ऐसा है कि पैसा आप लोगों से मैं लिया नहीं हूँ, जो जिसका खेत है पैसा दे और ले जाए। तो वो लोग कहे नहीं तुमको अभी लेना पड़ेगा, अभी छोड़ना पड़ेगा। तो मालिक को बुलाए और मालिक को बुला कर कहे कि आओ बाद में पैसा लेकर जाओ। पिताजी बोले कि ऐसा है कि मालिक जो है वो घर पर आकर ले गए थे पैसा और आकर यहीं से ले जाए। कौन ले कर जाए? उदय भान आए, तीन बार आए थे पैसा लेने के लिए घर पे, तो आए पैसा दें और अपना स्टैंप ले जाएं। फिर क्या हुआ उसके बाद? ये लोग पैसा देने आए घर पे, घर पे आते ही और पैसा जी हो गिनती हो रहा था तब तक दो लोग पी कर आए उसी में से बाबू साहबों में से और थप्पड़ और डंडा चलाने लगे, ईंट चलाने। कौन कौन चलाने लगे? भानु सिंह और सुनील सिंह। उनके साथ हमको 20-25 लोग थे, हम पहचान नहीं पा रहे थे। पुलिस को फोन किया गया, आए और FIR हुआ। FIR होने के बाद दो तीन लोगों को गिरफ्तारी की गई, पीछे छोड़ दी गई तुरंत। कौन छोड़ दी? जो कोतवाली के लोग। और फिर से हम लोग का किए कि कोतवाली को सूचित किए कि हम लोग का रास्ता बंद कर दिया गया चारों तरफ। कह रहे हैं कि तो वही बात बता रहे हैं। तो रास्ता रोक दिया गया था हम लोग का, जिसे जो भी रास्ते से जा रहा था उसको मारा जाता पीटा जाता था। तो हम लोग इधर को बुलाए थे, उसको नहीं लोग पहचानते हैं, तो आया और माँ को दवा कराने के लिए लेके जा रहा था, उसको घेर करके और मारने लगे। कहे कि तुम कौन हो इसको ले जाने वाले, तुम नहीं ले जा सकते, वो सब यहाँ से वही उनको मारेंगे। तो माँ को भी लात जूता मार दिए और उसको रिश्तेदार था उसको भी मारे, छोटी बच्ची थी यही, उसको भी लोगों का यहाँ पर कई हेलमेट से मार दिए। और माँ को हम लोग तब पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस आई और पुलिस के साथ माँ को भेजा गया दवा कराने के लिए। और दवा हुआ, FIR हुआ उन लोगों के खिलाफ और दो तीन लोगों को पकड़ा गया, फिर से छोड़ दिया गया। अरे यार उसके बाद क्या हुई मार के बाद? तो माँ के हम लोग माँ को घर लेकर आए, दवा वा खिलाए, माँ की स्थिति खराब होते गई। क्या हुआ माँ की? मेडिकल हुआ। इस समय क्या हुआ है? इस समय मृत्यु हो गई है उसकी।
बस यही। क्या नाम है आपका, कहाँ करवाने वाले हैं? मेरा नाम श्याम सुंदर है, मृतक जो है मेरी बासमती नाम है, मैं उसका पुत्र हूँ। यही थी घटना। और किस गांव के रहने वाले हैं आप? घटेला गांजी के रहने वाले हैं। कहाँ के? घटेला गांजी। मामला ये है कि मेरी माँ को दवा कराने के लिए मेरा एक रिश्तेदार लेके जा रहा था। गांव के लोग मुझसे जलन रखते हैं, हमारे पूरे परिवार से जलन रखते हैं, और उनको रास्ते में घेर करके मार दिए। कौन मारा? भानु सिंह, सुनील सिंह, अर्जुन सिंह, उनके साथ 5-6 लोग थे। उसके बाद माँ को ज़्यादा चोट आ गई, हम लोग अस्पताल ले गए और अस्पताल में माँ की मृत्यु हो गई। उसके पहले भी कुछ हुआ था? उसके पहले विवाद हुआ था पुराना। किस लिए? किस लिए हुआ था वो? खेत के लिए हुआ था, खेत के लेन देन के लिए हुआ था। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो और हम लोग को न्याय मिले। मृतक के आप क्या लगते हैं? पुत्र लगते हैं। क्या नाम है? श्याम सुंदर। यहाँ गांव में मैं आया हुआ हूँ, इसमें एक महिला को यहीं गांव के कुछ लोगों ने मार पिटाई की उसके, और उसको अस्पताल ले गए, फिर वहाँ से भी घर ले आए हैं जहाँ उस महिला की डेथ हो गई है। इस संबंध में मुकदमा कायम करा करके अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराई जा रही है। किस लिए हुई थी सर ये घटना? कुछ ये इनकी आपस की मारपीट है, लेन देन का पैसे का था, जमीन रेहन का मामला था, उसमें पैसे को लेन देन के आधार पे इनका झगड़ा हुआ था। उसमें एक पक्ष ने इनके साथ पहले भी घटना की थी, और आज इनका ये कहना है कि उन लोगों ने इनके साथ पुनः मारपीट की जिसमें इनको चोट आई। ठीक सर, थैंक यू।